स्तुति प्रतिष्ठा फल का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं इसके बाद स्वेच्छा विग्रह की उत्पत्ति और उसके प्रतिष्ठा के फल को आप लोगों को कहूँगा। उमा और स्कंद सहित शिव की भक्ति पूर्वक स्थापना करके सर्व कामनाओं को मनुष्य प्राप्त करता है। इससे जो फल प्राप्त होता है उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ। करोड़ों सूर्य के समान करोड़ों विमानों से युक्त योगी जब तक महाप्रलय होती है तब तक शिव के समान क्रीड़ा करता है। ओम, कोमार, ईशान, वैष्णव, ब्रह्म, प्रजापत्य इंद्र आदि लोकों के भोगों को हजारों वर्षों तक भोग कर सुमेरु पर स्थान बनाकर देवताओं के भुवनों में क्रीड़ा करता है। एक पाद, चार भुजा, त्रिनेत्र और शूल से युक्त जिसके वाम भाग में विष्णु और दक्षिण भाग में ब्रह्मा, 28 रुद्रों की कोटि, वाम भाग से प्रकृति, बुद्धि से बुद्धि और अहंकार से अहंकार, इंद्रियों से इंद्री, पाद मूल से पृथ्वी, गुह्य से जल, नाभि से वहिन, हृदय से भास्कर, कंठ से सोम, भूमध्य से आत्मा, मस्तिष्क से स्वर्ग, इस प्रकार चढ़कर सब जगत जिनसे उत्पन्न होता है ऐसे सर्वज्ञ और सर्वगत देव की ध्यान पूर्वक प्रतिष्ठा करके मनुष्य शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। बैल पर स्थित चंद्रमा का भूषण धारण किए हुए शिव की जो प्रतिष्ठा करता है वे किंकिणी जालों से युक्त स्वर्ण के विमान में बैठकर दिव्य शिव लोक में जाकर वास करता है और मुक्त हो जाता है। गण अंबिका और नंदी से युक्त शिव की प्रतिष्ठा करने वाला सूर्य मंडल के सदृश विमानों में बैठकर अप्सरा आदि के नृत्य के साथ शिव लोक में गणपति होकर निवास करता है। पार्वती सहित वृषभ ध्वज शिव को ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि से सदा प्रतिष्ठा करने वाला सर्व यज्ञ, तप, दान, तीर्थों के फल को प्राप्त करके शिव लोक में जाकर महाप्रलय तक भोगों को भोगता है। नग्न, चतुर्भुज, श्वेत, सर्प मेखला वाले, त्रिनेत्र वाले, कपाल हाथ में धारण किए हुए, काले केश वाले शिव की स्थापना करके शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। धूम्र वर्ण वाले, लाल नेत्र वाले, चंद्रभूषण, काक पक्षधारी, बागंभर ओढ़े हुए, मृग चर्म धारण किए हुए, तीक्ष्ण दांत वाले, कपाल जिसके हाथ में है, हूँ तथा फट शब्द से दिशाओं को नादित करते हुए गण और भूत समूहों से नृत्य करते हुए शिव की प्रतिष्ठा करने वाला सब विघ्नों को लांघ कर महाप्रलय तक शिव लोक में वास करता है। चतुर्भुज, अर्ध नारीश्वर, वरद और अभय हस्त वाले, शूल पद्म धारण किए हुए, स्वर्णाभरण भूषित स्त्री पुरुष भाव से जो स्थापना करता है वह अणिमा आदि सिद्धियों को भोग कर शिव लोक में जाता है। चिता भस्म धारण किए हुए, बागंभर धारण किए हुए, शिरोमाला धारण किए हुए, उपवीत धारण किए हुए शिव की प्रतिष्ठा करके मनुष्य संसार के भय से मुक्त होता है। ओम नमो नीलकंठाय, इस 8 अक्षर वाले पुण्य मंत्र को एक बार भी जो जपता है वह सब पापों से मुक्त होता है। इस मंत्र से गंधादि द्वारा महादेव का पूजन करता है वह शिव लोक में पूज्य होता है। जालंधर का अंत करने वाले, सुदर्शन धारण करने वाले देवाधि देव की जो प्रतिष्ठा करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। जो देव देव त्रिपुरांतक ईश्वर, धनुष बाण धारक से युक्त अर्धचंद्र भूषण वाले जिसमें सारथी हैं, ऐसे रथ में बैठे हुए शिव जी की पूजा करता है वह शिव लोक में ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। गंगा से सुशोभित, वामांग में पार्वती से युक्त विनायक और स्कंध, सूर्य और चंद्रमा के सहित ब्रह्माणी, कौमारी, माहेश्वरी, इंद्राणी, चामुंडा, वीरभद्र आदि गणों से युक्त मूर्ति की स्थापना करने वाले पुरुष शिव सायुज्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। लिंग के मध्य में चंद्रशेखर भगवान की मूर्ति, ऊपर हंस रूप ब्रह्मा की मूर्ति बनाकर अथवा दक्षिण में ब्रह्मा की मूर्ति जो हाथ जोड़े स्थित है, और महालिंग शिव की मूर्ति बनाकर स्थापित करके जो पूजा करते हैं वे शिव सायुज्य को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार महालिंग में शिव की प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति
शिवलोक में पूजा जाता है। मिट्टी से लेकर रत्न तक बनने वाले शिवालय का वर्णन। ऋषि बोले, लिंग प्रतिष्ठा का पुण्य, लिंग की स्थापना के भेद हमने सुने। हे सूत जी, अब मिट्टी से लेकर रत्न तक के शिवालयों के बनाने का फल हमसे कहिए। सूत जी बोले, शिव जी का ईंट और लोहे आदि से मंदिर बनाकर भक्त रुद्र लोक को जाते हैं, जहां उनकी इंद्र आदि भी वंदना करते हैं। मिट्टी व बालू से बनाकर भी रुद्र को प्राप्त होते हैं। इसलिए भक्त को सर्व प्रकार से शिवालय बनाना चाहिए। कैलाश नाम वाले मंदिर को बनाकर कैलाश की सी शिखर वाले विमानों पर बैठकर भक्त जन महान आनंद को प्राप्त करते हैं। जो भक्त मंदिर नाम से शिवालय का निर्माण करते हैं, वे मंदराचल के समान विमानों में बैठते हैं और देवताओं अप्सराओं के द्वारा पूजित होकर शिवलोक में सुख भोगते हैं तथा गाणपत्य रूप को प्राप्त होते हैं। हे विप्र, सुवर्ण की शिलाओं से शिवालय बनता है, वह रुद्र लोक में रुद्रों के साथ आनंद को प्राप्त होता है। जीर्ण पतित और खंडित मंदिर का उद्धार करने वाला बनाने वाले से भी अधिक पुण्य को प्राप्त करता है। इससे हे ब्राह्मणों, भक्ति पूर्वक काष्ठ ईंट मिट्टी आदि से भी शिव का मंदिर बनाता है, वह शिव लोक को जाता है। जो मंदिर बनाने में असमर्थ हो, वह शिव मंदिर की झाड़ू बुहारी पोतना लीपना आदि कर स्वच्छ करने से उत्तम फल को पाता है। शिव नेत्र से आधे कोस की दूरी पर भी जो मनुष्य प्राणों का त्याग करता है, वह हजारों चांद्रायण व्रतों के फल को प्राप्त करता है। जो श्री पर्वत पर प्राणों को त्यागता है, वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। जो पुरुष वाराणसी में केदार में प्रयाग में कुरुक्षेत्र में प्राणों को त्यागता है, वह मुक्ति को पाता है। प्रभास में पुष्कर में उज्जैन में अमरेश्वर में मरकर प्राणी शिव को प्राप्त होता है। शिव क्षेत्र का दर्शन ही पुण्य देने वाला होता है। उससे 100 गुना स्पर्शन से फल होता है, जल से 100 गुना दूध का स्थान, दूध से 1000 गुना दही का, उससे 100 गुना मधु का तथा घी का स्नान शिवलिंगों को कराना तो अनंत गुना है। बावड़ी कूप तालाब जो तीर्थ कहलाते हैं, उनमें स्नान करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्या आदि से छूट जाता है। प्रातः काल जो पुरुष शिवलिंग का दर्शन करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। मध्याह्न में दर्शन करने वाला उत्तम यज्ञों का फल पाता है तथा शाम के समय दर्शन भी उत्तम यज्ञों का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार आदि देव महादेव उत्पत्ति प्रलय और संहार करने वाले हैं। सब सृष्टि की रचना शिवा शिव ही करते हैं। मोक्ष के साधन शिव ही हैं। शिव ही व्यक्त और अव्यक्त हैं। ऐसे नित्य स्वरूप अचिंत्य प्रभु का अर्चन करना चाहिए।